हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फतास। तो चलिए आज एप्पल बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो एप्पल लिए हुए हैं, इसका छिलका निकाल कर इसे कद्दूकस कर लेना है। और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शुगर ली हुई है, आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एप्पल को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और मैंने यहाँ पर कुछ बादाम, काजू और पिस्ता को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कद्दूकस किए हुए एप्पल को अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट कर देंगे। अच्छी तरह से भून जाने के बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर शक्कर डालने के बाद इसमें पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, शक्कर मेल्ट होती जाएगी। इस तरह देखिए शक्कर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। काजू और बादाम, पिस्ता, इन सब को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस मिक्सचर को एक मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने एक मिनट तक पका लिया है। अब हम एक स्टील का बर्तन ले लेंगे। देखिए मैंने इसे ग्रीस कर लिया है घी से और इसके अंदर इस मिक्सचर को निकाल दें। थोड़ी देर ठंडा होने दें इसे। कट्स लगा देने के बाद इसे फ्रीजर में हमें 24 आवर्स के लिए रख देना है। 24 आवर्स के बाद मैंने इन पीसेस को निकाल कर प्लेट में सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट जल्द मिल सके। एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।